हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ स्टडी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी। तो इसको हम लोग बेसिकली करते क्यों है, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, मान लो किसी रैबिट पे परफॉर्म कर रहे हो, तो मान लो एंटी डायबिटिक स्टडी आपने किया, तो आप ये देख रहे हो कि जो पर्टिकुलर ड्रग है उसको देने पर ब्लड शुगर लेवल कितना कम हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप रैबिट पे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको एक ग्रुप में कितने रैबिट लेने पड़ेंगे, मतलब आपको 6 रैबिट लेने हैं, 8 रैबिट लेने हैं, 10 रैबिट लेने हैं, मिनिमम कितने रैबिट लेने हैं जिससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। मतलब चलो इसका डिटेल देख लेते हैं। मान लो हम लोग यहां पर स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी की बात करते हैं। सो स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ बाइनरी हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस आपको पता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसी को हम लोग बाइनरी हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो वीडियो है, ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक, पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा। So binary hypothesis test is the probability that the test correctly reject the null hypothesis H naught when a specific alternative hypothesis is true। हो सकता है यहां पर आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये स्टेटमेंट कहां क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटिस्टिकल पावर क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यदि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है तो। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो एक और चीज देखते हैं। एरर्स आप लोग को मैंने पढ़ाया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दो टाइप के एरर होते हैं। इस टेबल को पहले हम लोग समझते हैं, दो हाइपोथेसिस होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस जिसको हम लोग यहाँ पर एच नॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम लोग एच ए से डिनोट करते हैं। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट इज ट्रू, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट एच नॉट इज फॉल्स, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा सही है और नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है, ठीक है। तो यदि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है और उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया, और हमारा नल हाइपोथेसिस सही है और उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो यहां पर क्या हो गया, ये एरर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप वन एरर, या फिर अल्फा के नाम से जानते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत है, और उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया तो ये टाइप टू एरर हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और यदि हमारा ये जो नल हाइपोथेसिस है ये फॉल्स है और उसको हम लोग यहां पर रिजेक्ट कर रहे हैं, ये देखो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा करेक्ट डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्स है गलत है, तो गलत को गलत कहना और उसको रिजेक्ट करना ही पावर ऑफ स्टडी है, या फिर स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी है। अब देखो वापस इस स्टेटमेंट को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर वी आर फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, तो बाई डिफॉल्ट हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही चीज तो यहां पर कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यदि सही है, नल हाइपोथेसिस यदि गलत है, तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना ही हमारा पावर ऑफ स्टडी है। कहने का मतलब यह है, पावर ऑफ स्टडी क्या होगा, या फिर स्टैटिस्टिकल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 - बीटा, मतलब 1 - ये टाइप टू एरर, इसी को हम लोग कह रहे हैं पावर ऑफ स्टडी। कहने का मतलब ये है भाई, साफ साफ शब्दों में, यदि हमारा नल हाइपोथेसिस सही नहीं है तो उसको हम लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, यही पावर ऑफ स्टडी है। चलो इसको और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहां पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट ए है, इसका मान लो स्टैटिस्टिकल पावर 0.7 है। एक एक्सपेरिमेंट बी है जिसका स्टैटिस्टिकल पावर हमारे पास 0.95 दिया हुआ है। 0.7 कहने का मतलब ये हो गया कि 70%, 0.95 कहने का मतलब हो गया कि 95%,
ठीक है। अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर देन एक्सपेरिमेंट भी, तो यहां पर 0.7 है मतलब 70% है और ये 95% है। तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी ये होगा कि इसमें टाइप टू एरर होगा, ठीक है, क्योंकि ये 95% है, इसमें 75% है, मतलब यहां 30% चांसेस होंगे कि टाइप टू एरर आपका हो जाए, मतलब ये जो बीटा वाला एरर है ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट ए में। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टैटिस्टिकल पावर इसका 70% है, इसी का 95% होता स्टैटिस्टिकल पावर, तो ये एरर होने का चांसेस केवल 5% होता, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये होता है स्टैटिस्टिकल पावर। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, दिस रिड्यूसेस एक्सपेरिमेंट ए सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो यहां पर स्टैटिस्टिकल पावर कम है कंपेयर टू स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ बी विच इज 0.95, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो सेंसिटिविटी है एक्सपेरिमेंट ए का सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही यहां पर लिखा हुआ है, दिस रिड्यूसेस एक्सपेरिमेंट ए सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मतलब कोई भी हमारे पास दो ग्रुप है उसके बीच में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं है, उस चीज को बताने की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर स्टैटिस्टिकल पावर कम है, 0.7 है एज कंपेयर टू दिस वन 0.95। तीसरा फैक्टर इसमें होता है लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप वन एरर, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिकल पावर कम होने की वजह से टाइप वन एरर होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल होता है। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा, फिर रिपीट देख लेना। अब हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर। तो पावर ऑफ स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं दो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर्स। मान लो हमारे पास कुछ पैरामेट्रिक मेथड होते हैं, तो पैरामेट्रिक से भी उसी चीज का टेस्ट करते हैं, उसी का हम लोग नॉन पैरामेट्रिक से भी करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से भी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं कि भाई दोनों का जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ स्टडी का एक कॉन्सेप्ट। सेकंड होता है पावर एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सो दैट वन कैन बी रीजनेबली लाइकली टू डिटेक्ट एन इफेक्ट ऑफ ए गिवन साइज। तो जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में भाई इसको अब ये देखते हैं। तो पावर ऑफ एनालिसिस क्या करता है, कैलकुलेट करता है मिनिमम सैंपल साइज को। जो हमने बोला रैबिट की बात की कि हम लोग एंटी डायबिटिक स्टडी कर रहे हैं रैबिट पे, तो वहां पर उस ग्रुप में हमें 6 रैबिट लेना है, 8 रैबिट लेना है, 15 रैबिट लेना है, 20 रैबिट लेना है, कितना रैबिट लेना है कि हम लोग को पावर अप एनालिसिस करने का या फिर पावर अप स्टडी करने का कैपेसिटी मिल जाए, स्टैटिस्टिकल पावर अप स्टडी का। कहने का मतलब यह है कि हम लोग ये मिनिमम कितने रैबिट लें कि हम लोग कॉन्फिडेंटली ये कह पाए कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये डिसीजन ले रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज करेक्ट, तो इस डिसीजन को हम लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ ले पा रहे हैं। मतलब पावर ऑफ स्टडी है मतलब 1 माइनस जो बीटा हम लोग ले रहे हैं, जो यहां पर हमने बात किया था ये करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको हम लोग फॉल्स कह रहे हैं, तो ये कहने के लिए हम लोग को कितने रैबिट चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है, तो ये चीज कहा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर कम से कम रैबिट सेलेक्ट करना होगा ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट का खर्चा कम हो, टाइम कम लगे, लेस एक्सपेंसिव हो सारी चीजें। लेकिन मीनवाइल हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग एटलीस्ट इतना रैबिट सेलेक्ट करें जिससे हम लोग का जो एरर है वो ना हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ स्टडी। थर्ड है हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टॉस अ क्वाइन टू कंक्लूड इट इज रिग्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट। तो यहां पर एक एग्जांपल है, एक हमारे पास क्वाइन है, तो उस क्वाइन को हम लोग कितने बार उछालें कि हमें यह पता लग जाए, ये पता करने के लिए कि वो क्वाइन सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस्ड है, मतलब उस क्वाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए वो मतलब बराबर हेड और टेल नहीं आ रहा है। मान लो एक क्वाइन को आपने 10 बार उछाला, तो 10 बार में से उसमें 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें हो सकता है कि
सात बार हेड आ जाए, तीन बार टेल आ जाए, तो यहां पर दोनों तो सेम नहीं है, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। तो इसको हम लोग कितने बार उछालेंगे मिनिमम, कि इसमें हमें ये पता लग जाएगी कि हाँ भाई ये जो क्वाइन है ये बायस्ड है, जो मतलब इसका जो डिफरेंस है दोनों में हेड और टेल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है इसको पता करने के लिए, या फिर नहीं आ रहा है इसको पता करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गया एक एग्जांपल, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर अप स्टडी। पावर अप स्टडी कुछ नहीं है, मतलब हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे ये सिद्ध करने के लिए कि हमें भाई नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पावर एनालिसिस कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम इफेक्ट साइज दैट इज लाइकली टू बी डिटेक्टेड इन ए स्टडी यूजिंग अ गिवन सैंपल साइज। तो यहाँ पर पावर अप स्टडी में हम लोग ये भी कैलकुलेट करते थे कि जो मिनिमम इफेक्ट साइज है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम इफेक्ट साइज करने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है, ये हो गया कंट्रोल ग्रुप, मान लो आपके पास एक्स है, उसके फिर एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, मान लो ये वाई है, तो वाई में इफेक्ट आएगा, कंट्रोल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वाई माइनस एक्स करते हैं तो ये मान लो आपके पास Z आता है, ये हमारे पास इफेक्ट साइज हो गया, तो ये इफेक्ट कितना आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी पावर अप एनालिसिस इस्तेमाल होता है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पावर अप स्टडी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। स्टेटिस्टिकल पावर में डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर सकते हैं ऑब्वियसली, सम फैक्टर्स में बी पर्टिकुलर टू ए स्पेसिफिक टेस्टिंग सिचुएशन बट एट अ मिनिमम पावर नियरली ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। तो इसमें से तीन फैक्टर मेन है जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला है आपके पास स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्राइटेरियन यूज इन द टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया आर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया यूज होते हैं जिसको हम लोग पी वैल्यू के नाम से बोलते हैं। पी इज इक्वल टू 0.05, मतलब 5%, मतलब 20 में से एक बार ऐसा चांस होगा कि आपका जो डिसीजन होगा गलत होगा, मतलब इरर होने के चांसेस। 0.01 मतलब 1%, मतलब 100 बार में से एक बार ऐसा होगा कि आपका जो एरर हो जाएगा, मतलब वही टाइप टू एरर, मतलब बीटा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये होता है स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया, ये इफेक्ट करता है इसको। सेकंड होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट है वो कैसे होता है। पॉपुलेशन कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ एन इफेक्ट साइज कंपेयरिंग आउटकम्स इन ए ट्रीटेड एंड अ कंट्रोल पॉपुलेशन। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई एक्स है माइनस वाई है, तो इसका जो इफेक्ट आ रहा है जेड, तो ये जो जेड का साइज कितना है, इफेक्ट साइज कितना है, उसका एनालिसिस करना, उसको कंपेरिजन करना, ये भी मैटर करता है। मतलब हमारे पास जो है मान लो कंट्रोल है और उसके फिर जो एक्सपेरिमेंटल है, दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग वी विल बी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दोनों में से एक्स और वाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जेड का जो इफेक्ट आएगा नियर टू जीरो आ जाएगा, जीरो इफेक्ट आ गया तो भाई ट्रीटमेंट दो या फिर नहीं दो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो वहां पर फिर क्या हो गया, पावर अप स्टडी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट होता है द सैंपल साइज यूज टू डिटेक्ट द इफेक्ट, मतलब कौन सा सैंपल साइज, कितना सैंपल चाहिए हमें उस पर्टिकुलर इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए वाला, जो जेट को डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम सैंपल कितना रिक्वायर्ड है उसका स्टडी। सो टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर इनहेरेंट इन ए टेस्ट रिजल्ट, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि भैया हमें एक मिनिमम सैंपल रखना चाहिए कि हमें 15 रैबिट चाहिए, फिर 10 रैबिट चाहिए, उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग इसमें स्टेटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी। सो आई होप स्टेटिस्टिकल पावर ऑफ स्टडी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ नहीं है, यही है कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है अच्छे से रिफ्लेक्ट करे, मतलब हम लोग ये कह पाए कॉन्फिडेंटली कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, मतलब इतना कहने का दम होना चाहिए आप में। थैंक यू सो मच।